आज हमारा एक टॉपिक है टाइप ऑफ इंटेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। इंटेक्चुअल का मतलब होता है इंटेंजिबल, ठीक है, एक तरीके से इंटेंजिबल मानते हैं। तो इसके अंदर हमें क्या सीखना है, बेसिकली कितने सारे हमारे इंटेक्चुअल प्रॉपर्टी हैं और उसका नाम पहले पता करना है कि भाई नाम क्या है और उस नाम के अंदर क्या-क्या चीजें इन्वॉल्व होता है। और अगर हमें पता चल जाए कि इस तरीके के प्रॉपर्टी को इंटेक्चुअल राइट का मतलब हमारा अधिकार है, उसके अलावा किसी और का अधिकार नहीं है उस पे यूज करने का, ये पता करेंगे। जैसे ही हमें ये पॉइंट पता चलेगा, हम आगे क्या कंटिन्यू करेंगे, किस तरीके से। अब जैसे मैंने कुछ चीजें बनाया, मैंने बोला भाई मैंने बनाया तो मेरा राइट्स है, तो कोई कॉपी कर सकता है, कोई कॉपी ना कर पाए इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, इसके रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। तो रजिस्ट्रेशन क्यों करवाते हैं, ताकि कल के दिन अगर किसी ने कॉपी किया तो मैं उसके अगेंस्ट कंप्लेन करूं और वो ये काम दोबारा ना करे। रजिस्ट्रेशन करवाएंगे तो कोई ना कोई डिपार्टमेंट होगा और उसका एक टाइम होगा कि इतने टाइम तक आपको रजिस्ट्रेशन करवाना है, फिर हर साल का हम क्या करेंगे उसमें फी पेड करेंगे। तो मैं सबसे पहले बताऊं कि आपका जो इंटेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स है, सबसे पहले है कॉपी राइट्स। कॉपी राइट्स बेसिकली किसके लिए होता है, जैसे बुक्स वगैरह, ऑथर हो गया, या किसी ने मूवी बनाया, किसी ने कोई आपका सॉन्ग सिंग किया, या फिर आपका अलग अलग, जैसे कि मैंने यहाँ पे 5-6 एग्जाम्पल दे रखा है, सॉफ्टवेयर मूवीज वगैरह, ये अपने उसको कॉपी राइट करवा लेते हैं। अब जैसे मान लो कोई मूवी का सॉन्ग आया अभी आपका, ठीक है, मूवी का सॉन्ग आने के बाद अगर जिसने सिंग किया है वही उस सॉन्ग को कहीं भी लगा सकता है। मान लो आपने कोई ऐसा अपना स्टेटमेंट बना लिया, या आपने अपने ग्रुप का एक इमेज बना लिया, या ग्रुप का एक वीडियो बनाया, उसके बैकग्राउंड में आपने लेटेस्ट मूवी का म्यूजिक डाल दिया, जिससे आपको तो अच्छा लग रहा है कि हाँ ये मूवी का म्यूजिक जो है वो ठीक लग रहा है। अगर आप उसे पब्लिश करते हो तो आपके पास वहां से कंप्लेन, मतलब सामने से जिसने इस सॉन्ग को गाया होगा उसका नोटिस आ जाएगा, जी आपने मेरे गाने का अपने इस पिक्चर पे कैसे इस्तेमाल कर लिया, हम कर सकते हैं आप नहीं कर सकते, और फिर आपको वो हटाना पड़ेगा। अगर नहीं हटाओगे तो उसके अगेंस्ट फाइन देना पड़ेगा। सेम ऐसे मैंने बुक करा, बुक कोई राइट किया, या फिर मैंने सपोज करो अकाउंट्स के मैंने अपने बुक लिखा, बुक के अंदर मैंने अपने हिसाब से थ्योरी लिखा है, अपने हिसाब से मैंने और इन्फॉर्मेशन डाला है, अपने हिसाब से मैंने शॉर्टकट्स मेथड बनाए हैं, अपने हिसाब से मैंने रूल एंड रेगुलेशन बनाए हैं, तो हर बच्चों को तो मैंने दिया। अब किसी और अदर इंस्टीट्यूट वाले ने उसका फोटो कॉपी करा के अपने नाम हटा के अपने इंस्टीट्यूट में चला रहा है, तो ऐसे सिचुएशन में मेरा तो नुकसान हो रहा है, मेरी मेहनत और बेनिफिट कोई और ले रहा है। तो अगर मैं रजिस्ट्रेशन करवा लेता तो मैं सीधा रजिस्ट्रेशन ऑफिस में कह सकता हूँ जाके, सर ये मेरा कॉपीराइट है, यहाँ पे चलाया जा रहा है, आप लीगल एक्शन लीजिए। तो वो रजिस्ट्रेशन ऑफिस या कंप्लेन होगा और वो फिर उसको हटाया जाएगा, वो आगे से ऐसे गलती नहीं करेगा, अगर फिर भी करता रहा तो उससे पेनल्टी लिया जाएगा। लेकिन मान लो मैंने रजिस्ट्रेशन ही नहीं कराया अपने, तो कोई भी कॉपी करके चलाता जाए मैं उसमें कुछ भी नहीं कर सकता। तो एक है कॉपीराइट, कॉपीराइट के बाद हमारा है पेटेंट। पेटेंट बेसिकली इनोवेशन से रिलेटेड है। जैसे अभी मैंने देखा था कि आईआईटी का जो है मेन, आईआईटी के अंदर एक स्टूडेंट अभी कोशिश कर रहा है कि जो कार है वो पानी से चलाया जाए, कुछ उसमें एल्युमिनियम का कुछ डाल रहे हैं, इफेक्टिव कॉस्ट तो बनाने जा रहा है, तो अगर बन गया तो उसने कुछ इनोवेट कर दिया। अब उसके बाद तो उसको तो कोई भी देख के सीख जाएगा, लेकिन पहला दिमाग जिसने लगाया उसका नहीं कॉपी होना चाहिए, तो हम इसको रजिस्ट्रेशन करवा देंगे इस इनोवेशन को, तो उसको हम बोलेंगे पेटेंट करवाना। ऐसा कोई मेडिसिन बना लिया आपने, जिस मेडिसिन से उस बीमारी का अभी तक इलाज नहीं था उस मेडिसिन से काम कर गया, तो उसका हमें क्या करवा लेना चाहिए, पेटेंट करवा लेना चाहिए। तो दोनों में फर्क है, वहां पे बुक से रिलेटेड है, म्यूजिक से रिलेटेड है, मूवी से रिलेटेड है, और पेटेंट किससे रिलेटेड है, आपके इनोवेशन आइडिया जो आज से पहले कभी नहीं हुआ था, तो हमें इसका रजिस्ट्रेशन करा लेना चाहिए अगर हमने ऐसा कुछ किया है। रजिस्ट्रेशन कराने से क्या बेनिफिट मिलेगा, कोई और इसको कॉपी नहीं कर पाएगा, तो हमें रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस भी जानना पड़ेगा और क्या टाइम है, किस तरीके से होगा। इसके बाद हमारा है ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी बिजनेस को आगे प्रोसेस प्रोग्रेस करने में, क्योंकि हम अगर किसी भी कस्टमर के साथ जुड़ते हैं तो उस कस्टम कई बार कस्टमर हमारे प्रोडक्ट के नाम से नहीं, हमारे उसके लोगो से, उसके कलर से,
उसके डिजाइन से पहचान जाता कि ये इस चीज का प्रोडक्ट हमारा है। बहुत सारे ऐसे सिंबल है, आप जैसे कि बहुत सारे नाइकी हो गया, रिबॉक हो गया, तो इनके ये क्या है, सिंबल्स हैं ये, जिसे लोगो भी बोलते हैं। तो इससे जैसे कि किसी भी अगर टी शर्ट पे मान लो नाइकी का सिंबल बना हुआ आया, तो आप क्या समझोगे, जी ये तो नाइकी का प्रोडक्ट है, अच्छी क्वालिटी है, खरीद लो, क्योंकि बहुत पुराना ब्रांड है ये। तो अगर मैंने सोचा कि यार ऐसे करने से तो होता है, तो मैं भी एक फैक्ट्री लगाता हूं और हर किसी पे टिक मार्क लगाता जाता हूं, तो लोग तो भ्रम में आ जाएंगे, तो ओरिजिनल कंपनी की रेपुटेशन खराब होगी, क्योंकि मैं तो बेकार सेकार क्वालिटी में भी मैं बेचने का काम करूंगा, ओरिजिनल खराब होगा। तो इसलिए उसका उस जो सिंबल है जिससे कि कस्टमर जानते हैं, उसको रजिस्ट्रेशन करा दो, उसको ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन बोलते हैं। वो क्या होता है, बेसिकली ट्रेडमार्क होता है। इसके बाद हमारा ट्रेडमार्क के बाद सीक्रेट होता है, कुछ ऐसे फॉर्मूले होते हैं जो कि किसी को नहीं पता, वो सिर्फ हम किसी को बताना ही नहीं चाहते वो चीज, तो वो भी मेरा एक सीक्रेट इंटेक्चुअल प्रॉपर्टी है। उसका रजिस्ट्रेशन तो नहीं कराना पड़ेगा, अगर आपने रजिस्ट्रेशन करा लिया तो बता ही दिया आपने, ठीक है। इसके बाद हमारा क्या है, जियोग्राफिकल इंडिकेशन। तो इसके अंदर कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि उस स्टेट के नाम से बहुत ज्यादा जाना जाता है, जैसे कि मैंने यहां पे लिखा दार्जिलिंग में, आसाम में टी के नाम से जाना जाता है, और हर किसी का अपने स्टेट का ना एक अलग स्पेशलिटी है, जिसके जैसे आगरा पेठे के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और तो हर कोई स्टेट है, तो उसका भी रजिस्ट्रेशन करवाते हैं वहां के व्यापारी मिलके। तो हम एक एक करके इसको समझेंगे। इंटेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या होता है, बेसिकली ये इंटेंजिबल एसेट्स है जिसको हम रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं ताकि कोई दूसरा उसका इस्तेमाल ना करवा पाए, और जब एक बार रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि टाइम टू टाइम उसको रिन्यू भी करवाएं। रिन्यू का मतलब समझते हो क्या होता है, जैसे कि आपको 10 साल के लिए फीस दे दिया, आप 10 साल बाद ये एक्सपायर हो जाएगा, फिर आपको फी देना होगा, अगर नहीं दोगे तो फिर उस केस के अंदर आपका रजिस्ट्रेशन ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो हम सबसे पहले पढ़ते हैं कॉपीराइट को, ठीक है। देखो कॉपीराइट्स क्या होता है, कॉपीराइट बेसिकली ऑथर के लिए सबसे मेन होता है। आप कभी भी बुक देखोगे, बुक के पीछे लिखा होता है कॉपीराइट्स वगैरह। तो कॉपीराइट्स बुक्स या म्यूजिकल, कोई सॉन्ग हो गया, या कोई उसने कोडिंग करा है इस हिसाब से। नोवेल, नोवेल क्या होता है हमारा, उपन्यास जो बुक्स वगैरह जो पढ़ते हैं, स्टोरी होता है, जैसे जैसे कि थ्री इडियट आया था, थ्री इडियट मूवी भी एक उपन्यास के ऊपर ही था, कोई राइटर था मुझे याद नहीं आ रहा, चेतन भगत, उसके स्टोरी के ऊपर था। तो इसके बाद क्या है आपका, पेंटिंग, कोई पेंटिंग है, वैसा पेंटिंग कोई ना बना सके, जैसे हाँ मोनालिसा की मैं बात करूं तो ऐसा कोई है ही नहीं, कोई नाम ही नहीं था ऐसा, वो सिर्फ पेंटिंग बनाया हुआ है किसी ने, वो करोड़ों अरबों रुपए का पेंटिंग है इस टाइम पे, पेटेंट कराया हुआ है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर में जब आप देखोगे तो सॉफ्टवेयर जब आप एप्लीकेशन रन करते हो ना, तो वहां पे एग्री का ऑप्शन आता है, एग्री से पहले आप स्क्रॉल करके पढ़ोगे तो वहां कॉपीराइट्स जरूर लिखा होता है। और यहाँ पे कॉपीराइट्स में ज्यादातर आप देखोगे ना, रजिस्ट्रेशन जब होगा ना, आर करके न्यू राउंड शेप में बना के रखते हैं वो, इसका मतलब होता है ये रजिस्टर्ड है। आपको कैसे पता चले ये रजिस्टर्ड, तो आर लिखा होगा उस पर और उस पर सर्कल बनाया होगा, आप कभी चेक करना। और जैसे मूवी हो गया, मूवी भी हम क्या करते हैं, कॉपीराइट्स करवा देते हैं, ठीक है, कि कोई और ना यूज कर पाए, जिसने फिल्म मेकर ने बनाया वही बेचेगा। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या है, एक एप्लीकेशन फाइल करोगे, एप्लीकेशन के ऊपर जिस लैंग्वेज को आप करवाना चाहते हो रजिस्ट्रेशन, जिस मूवी को करवाना चाहते हो उसकी डिटेल लिखोगे, यानी आप अगर कॉपीराइट करवाने जा रहे हो तो किस चीज का करवाने जा रहे हो, बुक्स का, सिंगिंग का, मूवी का, नोवेल का, किस लैंग्वेज में है, तो वो सारा हम क्या करेंगे, सबसे पहले एप्लीकेशन फाइल करेंगे। आपका रजिस्ट्रेशन किसी चीज का हो, आप अपने स्कूल में अपना रजिस्ट्रेशन करा जाओ, एप्लीकेशन तो देना ही पड़ेगा, तो एप्लीकेशन तो सब में ही कॉमन है, और एप्लीकेशन में क्या लिखा जाता है, जिस चीज का काम करने जा रहे हो उस चीज का डिटेल। अगर मैं बुक का ले जा रहा हूं तो बुक का मैं नाम लिखूंगा, टाइटल लिखूंगा, कंटेंट लिखूंगा वहां पे। रजिस्ट्रेशन के बाद जैसे ही रजिस्ट्रेशन होगा, हमें एक फिक्स फी देना पड़ेगा उसको, और उस फिक्स फी को जब हम देंगे, रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन जैसे दिया जाएगा, उसके बाद हमें एक फिक्स फी देना पड़ेगा, और उसकी जो फी देंगे उसकी चार कॉपी बना लेंगे। चार कॉपी के अंदर वहीं पे डिपार्टमेंट में डिपॉजिट कर दिया जाता है। रजिस्ट्रेशन जहां होता है, हर किसी का अपना अलग अलग डिपार्टमेंट है। उसके बाद क्या होगा, 30 दिन के अंदर, जैसे ही मैं फी जमा करवाऊंगा, 30 दिन के अंदर मुझे क्या मिल जाएगा वहां से, ये हो गया आपका रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन होने के बाद आपको दोबारा रिन्यूअल भी करना पड़ेगा इसको। रिन्यूअल का मतलब, ये कितने दिन के लिए आपने काम कर लिया, इसके अंदर मैक्सिमम होता है जब तक उस पर्सन का लाइफ है,
क्योंकि मान लो यहाँ पे जैसे कि मैं बात करूं बहुत सारे ऐसे सॉन्ग की मैं बात करूं तो जैसे मुकेश कुमार, मुकेश कुमार तो है नहीं, मुकेश कुमार के सॉन्ग को आप नॉर्मली यूज कर सकते हो क्योंकि उसकी लाइफ खत्म हो गई तो उसका कॉपीराइट भी खत्म। तो लाइफ कितना होता है, या तो 60 साल होगा अगर मैं लाइफ की बात करूं यहाँ पे, तो लाइफ की अगर मैं बात करूं तो या तो 60 ईयर होगा या उसके लाइफ, लाइफ किसका, जिस पर्सन ने इसको करवाया है, इन दोनों में से जो पहले हो जाएगा वहां तक का इसका लाइफ माना जाएगा। फिर देखो दोबारा कॉपीराइट्स कैसे करवाया जाएगा, सबसे पहले आप एप्लीकेशन में लिख के दोगे, एप्लीकेशन के बाद एक फिक्स अमाउंट दोगे, 4 कॉपी बना के दे दोगे, उसके बाद आपको 30 दिन के अंदर रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा। और अगर 60 साल हो गया तो 60 साल के बाद ऑटोमेटिकली कॉपीराइट क्या हो जाता है, हमारा एक्सपायर हो जाता है। पहला हमारा कॉपीराइट्स का पॉइंट खत्म हो गया। इससे ज्यादा आपको कुछ भी नहीं लिखना, बस आपको पूरा स्टेटमेंट में लिखना होगा। देखो इसमें कोई डाउट आपका, कॉपीराइट्स क्लियर है? देखो पेटेंट क्या होता है, बेसिकली पेटेंट आपका इनोवेशन है ऑफ न्यू प्रोडक्ट। जैसे मैंने बताया आपने बना दिया पानी से चलने वाला कोई कार, आपने इनोवेट किया है उसका, आपने पेटेंट करवा रखा है और उसको आप बेच भी सकते हो। इनफैक्ट आपने ऐसा कोई इनोवेशन किया और किसी कार कंपनी के पास जाओगे, बोलोगे मेरा ये राइट्स है, मैंने ये बनाया है, तो लाखों करोड़ों रुपए में उसे बेच दिया जाता है, तो उसे बोलते हैं हम पेटेंट, ठीक है ना। अगर आपने कोई एजुकेशन से रिलेटेड फॉर्मूला वगैरह बनाया तो कहाँ कवर्ड हो जाएगा वो, कॉपीराइट में। अगर मैंने देखो एक फॉर्मूला बनाया, मैं अकाउंट्स या मैथ्स का कोई ऐसा फॉर्मूला बनाया जो कोई नहीं कर सकता था, उस क्वेश्चन को शॉर्टकट बना दिया, वो कवर होगा इसमें, क्योंकि बुक्स वगैरह किसमें कवर हो जाता है, कॉपीराइट में। लेकिन मैंने कुछ ऐसा इनोवेशन किया है प्रोडक्ट से रिलेटेड, ठीक है, ऐसा एक आइडिया है, जैसे मान लो मैंने बताया आपका कार, इसी तरीके से मैं बात करूं अगर, तो जैसे कि वेस्टेज, आपका जो कोई चीज वेस्टेज हो जाता है घर से, उससे मैंने कोई न्यू प्रोडक्ट बना दिया, वो मैंने सोचा था, मेरा आइडिया था, तो वो किस में कवर्ड होगा, पेटेंट में। यहाँ पे इनोवेशन बहुत जरूरी है। रजिस्ट्रेशन क्या रहेगा, फाइलिंग एप्लीकेशन, एप्लीकेशन में क्या नाम एड्रेस वही सारी चीजें देनी है आपको, तो यहाँ भी रजिस्ट्रेशन में फाइलिंग एप्लीकेशन है और यहाँ भी रजिस्ट्रेशन में फाइलिंग एप्लीकेशन। इसके बाद पब्लिकेशन करना पड़ेगा ऑफिशियल जर्नल में। जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन कराओगे तो वहां पे पब्लिकेशन का मतलब होता है पब्लिकली बताओ कि ये आपका काम है। क्या पता आपने किसी की कोई बना रहा था, आपने सुन लिया और वहां जाके बोल दो जी मैंने बनाया ये, तो पब्लिकेशन करोगे तो पब्लिकेशन करने से सबको पता चल जाएगा कि भी इस पर्सन ने ये काम करा है। तो अगर किसी और पर्सन ने ये काम इससे पहले किया होगा वो आ जाएगा फटाफट, जी ये तो मैंने किया था, ये गलत झूठ बोल रहा है, तो फिर वहां पे आपका पेटेंट रुक जाएगा, ठीक है। तो पब्लिकेशन करना है हमें 18 महीने के अंदर विद फी के साथ, 18 मंथ लगता है। अगर पब्लिकेशन में कोई अपोजिशन आता है, जैसे कि मान लो किसी ने अपने पब्लिकेशन कर दिया, पब्लिकेशन करने के बाद किसी को कोई भी प्रॉब्लम है, भाई ये तो गलत बोल रहा है, ये तो मैंने इनोवेट किया था, इसलिए तो झूठ बोल रहा है, तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा, उसको 18 महीने तक का टाइम दिया जाएगा, सुनेंगे इसको आगे क्या करा जाए ना करा जाए। अगर वो काम कंप्लीट होता है, फाइलिंग द एग्जामिनेशन, फिर वो क्या करेगा, एग्जामिनेशन करेगा। जैसे कि मान लो पब्लिकेशन करने के बाद कोई एक पर्सन आ जाता है और बोलता है कि जी ये मेरा काम है, ये बोलता है मेरा काम है, तो दोनों की बातों को सुनकर एक एग्जामिनेशन लेगा कि है किसका एक्चुअल में ये। एग्जामिनेशन के टाइम पे वो एक स्पेसिफाई फी लेगा, फी कितना होता है वो हमेशा चेंज होता रहता है, इसलिए स्पेसिफाइड फी आपको क्या लिखना है, स्पेसिफाइड फिक्स अमाउंट नहीं है। उसके बाद डिसीजन ऑफ पेटेंट ऑफिस, डिसीजन 12 महीने के अंदर लेगा कि इसको दिया जाए पेटेंट करके या ना दिया जाए। अगर हो जाता है आपका तो उसको क्या करेंगे, पब्लिकेशन ऑफ ग्रांट का मतलब होता है आपका, उसको सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा, ठीक है। सबसे पहले देखो पेटेंट किसका करेंगे हम, किसी इनोवेशन का पेटेंट सबसे पहले एप्लीकेशन करोगे, एप्लीकेशन के बाद आपका क्या होगा, पब्लिकेशन होगा, कोई एक स्पेसिफाइड फी होगा विद फी के साथ, 18 महीने तक सुना जाएगा, उसके बाद एग्जामिनेशन का मतलब दोनों पक्षों को सुना जाएगा वहां पे, उसके बाद आपका पेटेंट ऑफिस आपको क्या करेगा 12 महीने के अंदर देख के डिसीजन लेके, उसके बाद आपको पब्लिकेशन क्या करेगा, ग्रांट कर देगा। अब भाई पेटेंट का भी तो लाइफ होगा, इतने टाइम तक रहना चाहिए, तो इसका लाइफ जो होता है वो 20 ईयर होता है। पेटेंट की अगर मैं लाइफ की बात करूं तो सबसे पहले एप्लीकेशन दिया, फिर आपका फी देके, फिर आपका डिसीजन और लास्ट में सर्टिफिकेट, इसका लाइफ जो है 20 ईयर। और जब पहली बार आप पेटेंट कराओगे ना तो 3 साल तक कोई फीस नहीं देना, 3 ईयर तक तो फ्री, उसके बाद हर साल आपको इसको रिन्यू करवाना पड़ता है। पहले
पहली बार जब से ही आपने रजिस्ट्रेशन कराया तो 3 साल तक कोई फीस नहीं देना होगा। 3 साल के बाद क्या करवाना पड़ेगा, हर साल आपको इसको रिन्यू करवाना पड़ेगा। जिस साल आपने रिन्यू नहीं करवाया आपका पेटेंट ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। इसके अंदर तो पेटेंट हमारा रजिस्ट्रेशन हो गया पेटेंट का, और पेटेंट का हमने थर्ड हमारा पॉइंट आता है ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क मैंने बेसिकली बताया क्या क्या होता है। ट्रेडमार्क कोई वर्ड हो सकता है, कोई नेम हो सकता है, कोई सिंबल हो सकता है, साउंड हो सकता है, कलर हो सकता है। जैसे कि कलर की मैं बात करूं तो आपने दिल्ली पुलिस का देखा होगा, ब्लू और रेड से होता है उसका। दिल्ली पुलिस का जहां भी लोगों देखोगे आप तो ब्लू और रेड होता है और उसी फॉर्म में होता है, तो वो कलर हो गया। साउंड में आप अगर मैं बात करूं तो बहुत सारे ऐसे चीज भी है जिसको साउंड को देख के पहचान जाते हो, अरे ये तो इसका है। इसके बाद नेम, नेम तो ऑब्वियस है कि हर किसी कंपनी का नेम होता है, जैसे मैकडोनल्ड का एम हो गया या उस कंपनी का KFC का उसने अपना नाम लिखा हुआ है। इसके बाद वर्ड भी हो सकता है, एक सिंबल वर्ड या लोगो भी हो सकता है। जैसे लोगो में क्या आ जाएगा आपका, उसका जैसे नाइकी का सिंबल, एडिडास का सिंबल, प्यूमा का सिंबल, ये सारे मैं ब्रांड बता रहा हूँ जिसका, रिलायंस का अपना एक अलग सिंबल है, टाटा का एक अपना अलग सिंबल है, तो ये सारे क्या आ जाएगा हमारा सिंबल या फिर आपका लोगो में। तो ट्रेडमार्क क्यों रजिस्ट्रेशन करवाया जाए, ताकि कोई ऐसा यूज ना करे और कोई हमारी कंपनी की छवि को खराब ना करे। रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस क्या है, फाइलिंग एप्लीकेशन विद लोगो शेप। एप्लीकेशन जब दोगे तो वहां बताओगे जी ये मेरा लोगो है इसको रजिस्ट्रेशन कराना है, ये मेरा वर्ड है इसको रजिस्ट्रेशन करवाना है, ये मेरा यहाँ पे सिंबल है इसको रजिस्ट्रेशन करवाना है, तो ये तो एप्लीकेशन फाइलिंग करेंगे। उसके बाद एग्जामिनेशन एप्लीकेशन, वो देखेगा कौन देखेगा, इसके बाद जैसे ही आपने एप्लीकेशन दिया तो जहां पे रजिस्ट्रेशन कराने गए वो चेक करेगा कहीं इसके जैसा पहले कहीं लोगो तो यूज नहीं हो रहा, ठीक है ना। ऐसा हो सकता है हमने लोगो बनाया और हमें पता ही नहीं इतने सारे नाम है और कोई और यूज कर रहा उसको, तो वो पहले एग्जामिनेशन करेगा उस एप्लीकेशन को, कौन वहां का डिपार्टमेंट का। उसके बाद वो पब्लिक करेगा, पब्लिशिंग करेगा ट्रेडमार्क में, परपोज में, कि भाई इसे हम इसको दे रहे हैं, किसी का अगर है हमने तो ढूंढ लिया, हमें तो नहीं मिला इसके जैसा मिलता जुलता नाम, अगर किसी और का है तो आके आप यहाँ पे क्या करें इसके पार्टी को डिफेंड करें या अपनी बताएं कि ये मेरा लोगो है आप मत यूज करो। तो इसके बाद पब्लिकेशन प्रोसेस क्या करेगा, पब्लिकेशन परपोज टू ट्रेडमार्क। इसके बाद फिर से अपोजिशन होगा, थर्ड पार्टी अपोजिशन, मतलब तीसरा बोलेगा जी ये तो मेरा लोगो है आप इसको ऐसे कैसे दे सकते हैं, फिर वहां पे देखा जाएगा। उसके बाद अगर ये भी पॉइंट कवर नहीं होता, थर्ड पार्टी भी नहीं आता, तो फाइनल हमें क्या होगा, सर्टिफिकेट इशू हो जाएगा। तो देखो इसके अंदर मेनली क्या है, सबसे पहले फाइलिंग, फाइलिंग के बाद क्या है एग्जामिनेशन एप्लीकेशन, उसके जैसा कोई है तो नहीं, पब्लिकेशन परपोज्ड आपका ट्रेडमार्क, फाइलिंग अपोजिशन, अपोजिशन मतलब दूसरा बोलेगा जी ये मेरा लोगो है, इसका टाइम थर्ड पार्टी है हमारा, और इशू उसके बाद क्या होगा आपको सर्टिफिकेट इजिली पब्लिश हो जाएगा। ड्यूरेशन क्या होता है इसका, मेनली 10 ईयर होता है इसका लाइफ हमारा रखा जाता है 10 ईयर। टेन ईयर के बाद आपका इसका रिन्यू होता रहता है। वैसे ट्रेडमार्क तो बहुत पुराना पुराना है लेकिन 10 ईयर के बाद इसको रिन्यू करना पड़ता है हमें, हर साल कुछ स्पेसिफिक फी अमाउंट जाता है। तो 3 पॉइंट्स कवर हो गया। देखो ट्रेड सीक्रेट क्या होता है, बेसिकली कुछ पर्सन ऐसे हैं, जैसे मैं कैंपा कोला, बहुत फेमस है ये केस, और जो कोका कोला है इसका जो फॉर्मूला है कोका कोला बनाने का किसी को नहीं पता, पेप्सी का जो फॉर्मूला है वो किसी को नहीं पता किस तरीके से बनाया जाता है, और ये सिर्फ 2 ही पर्सन जानते हैं जो वहां के डायरेक्टर और ऑनर हैं, सिर्फ उस 2 पर्सन को पता है, तो उन्होंने इस बात को बहुत ही सीक्रेट रखा हुआ है। तो ये भी एक इंटेक्चुअल प्रॉपर्टी है, बहुत लोगों ने सोचा कि ये पता चल जाए लेकिन वो पता नहीं चलता। दोनों जब कभी भी अगर मैं बताऊं तो जैसे कोका कोला का ऑनर जो जिसको पता है ये दोनों फॉर्मूला, दोनों एक साथ कहीं नहीं जाते कभी, क्योंकि अगर दोनों की डेथ हो गई तो वो तो खत्म ही हो जाएगी कंपनी, क्योंकि उस फॉर्मूले पे ही चल रहा है। तो अगर किसी को जाना भी होता है तो अलग अलग जाते हैं, अलग अलग फ्लाइट पे जाएंगे, अलग अलग कार पे ड्राइव करते हैं, दोनों एक साथ नहीं जाते क्योंकि इतना कॉन्फिडेंशियल उनका वो फॉर्मूला, चाहे पेप्सी का हो। और इस केस के अंदर इस तरीके का भी हमारा इंटेक्चुअल प्रॉपर्टी होता है, ये किसी को नहीं पता होता, सिर्फ वो 2 पर्सन को बहुत कॉन्फिडेंस रखा जाता है, और इसका रजिस्ट्रेशन नहीं कराया जाता। जब रजिस्ट्रेशन ही नहीं कराया तो लाइफ का कोई मतलब ही नहीं है। तो इसके अंदर एग्जाम्पल, अगर नो नीड टू रजिस्ट्रेशन, इसका रजिस्ट्रेशन कराने की कोई जरूरत नहीं है, एग्जाम्पल में आप कोका कोला ले सकते हो, आपके बुक में भी कोका कोला का ही एग्जाम्पल लिखा हुआ है। ये बेसिकली है इनोवेशन। देखो अगर आपने इनोवेशन करा और उसका रजिस्ट्रेशन करवा दिया तो बन गया पेटेंट,
लेकिन आपने इनोवेशन करा और उसे किसी को नहीं बता रहे, चुपचाप अपने पास रख रहे हो, तो वो क्या हो गया हमारा, ट्रेड सीक्रेट हो गया। बस ये फर्क रहेगा हमारा इसमें, ठीक है, ट्रेड सीक्रेट ये हमारा था। इसके बाद देखा जाए तो ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, कुछ जगह ऐसे हैं, जैसे मैं सूरत की बात करूं तो क्लॉथ की वजह से फेमस है, बनारस की मैं बात करूं तो वो पानी की वजह से नहीं, वहां की साड़ी के, बनारसी साड़ी की वजह से फेमस है। इसके बाद अगर मैं दिल्ली की बात करूं तो चाट वगैरह के लिए, मुंबई की बात करूं तो हर किसी का एक अपना स्पेशलिटी है। तो देखा जाए ज्योग्राफिकल में तो स्टेट यूनिक प्रोडक्ट, हर स्टेट का एक, बीकानेर का जैसे कि आपका क्या है, बीकानेर का भुज्जी प्रोडक्ट है जो कि है, तो नमकीन बीकानेर वाले का नमकीन भुजिया ये सारी चीजें, स्टेट का एक यूनिक प्रोडक्ट होता है उसके वजह से पहचाना जाता है। जैसे मैंने दार्जिलिंग का टी बोला तो वहां का ना ट्रेड एसोसिएशन होता है, वहां का उसी प्रोडक्ट से जाना जाता है कि यहाँ पे फेमस है, तो वहां पे जो चीज सबसे ज्यादा पाया जाता है वही फेमस होगा। गवर्नमेंट को तो पता नहीं है, गवर्नमेंट तो अपने ऑफिस में बैठा है, तो वहां के पब्लिक देखते हैं यार यहाँ पे ये सारी चीजें ज्यादा है तो यहाँ पे इसके सबसे ज्यादा खेती हो सकता है या ये चीजें यहाँ पे फेमस है, तो वहां के पब्लिक का एक यूनिटी बनता है और वो गवर्नमेंट के पास जाता है, जी हमारे स्टेट को ये दर्जा मिलना चाहिए, और ये दर्जा हमारे स्टेट को मिलना चाहिए तो उसके हिसाब से फिर गवर्नमेंट आएगा वहां पे, देखेगा क्या ये सही बोल रहा है ये। जैसे कि मद्रास, वो किस लिए, रबड़ फैक्ट्री से रिलेटेड है, एमआरएफ का नाम ही, एमआरएफ का फुल फॉर्म अगर आज आ भी सकता है आपके, रबड़ फैक्ट्री, मद्रास रबड़ फैक्ट्री, रबड़ के लिए है। तो अगर मद्रास में पहले रबड़ था ही नहीं तो उससे किसी ने ढूंढा के भाई यहाँ पे ये सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी है, गवर्नमेंट को बताएगा जी यहाँ पे प्रोबेबिलिटी, हमें इसकी बेनिफिट्स दे। गवर्नमेंट वहां पे आएगा, इन्फेक्शन करेगा, सब कुछ चेक करेगा, चेक करने के बाद वहां के स्टेट को क्या करेगा, सर्टिफिकेट इशू कर देगा और उसका रजिस्ट्रेशन वहां पे हो जाएगा। तो ये पर्टिकुलर एक पर्सन के लिए नहीं होता, वो पूरे स्टेट को ही कवर कर लेता है। तो सबसे पहले स्टेट यूनिक प्रोडक्ट होगा वहां पे, जैसे एग्जांपल में लिखा रजिस्ट्रेशन फाइलिंग एप्लीकेशन, क्या प्रोडक्ट है, किस चीज से रिलेटेड आप करवा रहे हैं, फिर आपका सिक्योरिटी क्या होगा, प्रिलिमिनरी सिक्योरिटी में वो आके वहां पे इन्फेक्ट करेगा, वहां पे चेक करेगा कि वो ठीक बता रहा है या फिर नहीं बता रहा। इसके बाद एग्जामिनेशन बाय रजिस्ट्रार, रजिस्ट्रार जो होगा वो एग्जामिनेशन करवाएगा वहां पे जाके। इसके बाद पब्लिकेशन ऑफ जीआई, उसके बाद वो पब्लिकेशन कर देगा, पब्लिकेशन का मतलब बेसिकली लोगों को बता देगा कि यहाँ पे इसकी वजह से ये फेमस है। अपोजिशन रजिस्ट्रेशन, कोई ऐसा स्टेट तो नहीं है जहां पे ये पाया जाता है वो बोले ये तो हमारे सिंबल था, जैसे दार्जिलिंग और आसाम का बोलते हैं टी, दार्जिलिंग का, अब दिल्ली ने बोला कि कहीं जगह पे टी मिल गया, दिल्ली के कुछ लोग चले गए, हमारा दिल्ली को बोलो टी के नाम से फेमस है, तो दार्जिलिंग वाला आ जाएगा, भाई हमारा स्टेट फेमस है आपसे ज्यादा तो आप रजिस्ट्रेशन नहीं करा सकते उसको, ठीक है। तो इस सिचुएशन के अंदर ऑपोजिशन 3 मंथ का टाइम दिया जाएगा, भाई देख लो कहां पे क्या सबसे ज्यादा है, उसके बाद आपको ग्रांटिंग रजिस्ट्रेशन यानी सर्टिफिकेट मिल जाएगा। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो फर्स्ट 3 है, ये तीनों ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिसके अंदर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके, ठीक है। तो हमने कॉपीराइट्स इंटेक्चुअल प्रॉपर्टी में कितने पॉइंट्स देखे हैं, टोटल 5 है, फर्स्ट कॉपीराइट, सेकंड पेटेंट, इसके बाद ट्रेडमार्क, इसके बाद ट्रेड सीक्रेट, और लास्ट हमारा ज्योग्राफिकल इंडिकेशन जिसको मैंने GI शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, क्लियर। तो हमारे एग्जाम में इसमें से कुछ भी पूछा जा सकता है, इसका लाइफ सबका भी आपको लाइफ भी एक याद रखना है। तो ये वाला टॉपिक हमारा पूरा का पूरा क्या होता है, खत्म हो जाता है। अब एक बार रिवीजन करते हैं हम, सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस, सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस में सबसे पहले हमने देखा था उसका टर्म्स, टेन्योर, टेन्योर में एक था लॉन्ग टर्म, एक था शॉर्ट टर्म, एक था मीडियम टर्म। लॉन्ग टर्म 10 साल से ऊपर के लिए अगर कर्जा लिया जाता है पैसे तो लॉन्ग टर्म, 10 साल से कम के लिए, 1 साल से ज्यादा के लिए मीडियम, 1 साल से कम के लिए शॉर्ट। लॉन्ग टर्म में क्या क्या आ सकता है, इक्विटी आ सकता है, प्रेफरेंस आ सकता है और रिटेन अर्निंग आ सकता है। इक्विटी और प्रेफरेंस में डिफरेंस क्या है, इक्विटी के अंदर फिक्स डिविडेंड, प्रेफरेंस सॉरी इक्विटी में फिक्स डिविडेंड नहीं होता, प्रेफरेंस में फिक्स डिविडेंड होता है, इक्विटी में वोटिंग राइट होगा, प्रेफरेंस में नहीं होगा, इक्विटी वाले को पैसे बाद में रिफंड होंगे, प्रेफरेंस वाले को पहले रिफंड होंगे, 1-2 पॉइंट्स और उसके अंदर हो जाएगा। इसके बाद रिटेन अर्निंग क्या होता है, जब डिविडेंड बांटने का टाइम आता है तो जो पैसा हम बचा लेते हैं फ्यूचर के लिए रिटेन अर्निंग, और जो पैसा दे दिया जाता है इक्विटी वाले को उसको बोलते हैं डिविडेंड।
इसके बाद मैं अगर आगे बात करूं, इसके बाद ऑनर फंड के बाद हमारा लॉन्ग टर्म डिबेंचर, एक डिबेंचर था और एक था बैंक लोन पब्लिक डिपॉजिट। डिबेंचर क्या होता है, बेसिकली कंपनी क्या करता है इंडिया के अंदर ही, इसके अंदर डिबेंचर और बॉन्ड भी बताया था मैंने। बॉन्ड सरकारी कंपनी नॉर्मली इशू करती है और डिबेंचर प्राइवेट, अब कोई भी कर सकता है, नाम एक ही है। तो ये क्या करते हैं, पब्लिक से कर्जा लेते हैं और जो कर्जा लिया जाता है इसके बदले सिक्योरिटी हम ट्रस्टी के पास रख देते हैं। तो एनी काइंड ऑफ इंस्ट्रूमेंट प्रोवाइडिंग टू द पब्लिक बाय द कंपनी, कंपनी के द्वारा कोई भी इंस्ट्रूमेंट डॉक्यूमेंट प्रोवाइड किया जाता है, किसमें बोरोइंग अगर लिया है उसके बाद उसको कोई भी सर्टिफिकेट, तो उसको हम कॉल करते हैं भाई ये तो डिबेंचर है, ठीक है। इसके बाद बैंक से लोन है, बैंक से लोन लोग ज्यादा लेना पसंद इसलिए नहीं करते, हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। इसके बाद पब्लिक डिपॉजिट, पब्लिक एफडी करवाते हैं जो बैंक में, उसके बदले हमारे पास आप एफडी करवा दें। डिबेंचर को रिडीम करना पड़ता है, हमें वापस देना पड़ता है, पर वो कंपनी की मर्जी है। लेकिन जब पब्लिक डिपॉजिट होगा तो आपकी मर्जी है कब वापस लेना चाहते हो, दोनों में ये फर्क है। इसके बाद शॉर्ट टर्म में देखा था कमर्शियल बैंक, कैश क्रेडिट और बैंक ओवरड्राफ्ट। कैश क्रेडिट में अलग अकाउंट हो जाता था, बैंक ओवरड्राफ्ट उसी अकाउंट से कट जाता था, ये फर्क था। इसके बाद था उसके अंदर और सिमिलरिटी क्या है, जितना पैसा यूज करोगे उतना ब्याज देना पड़ेगा। शॉर्ट टर्म आपका लोन में क्या था, आप यूज करो चाहे मत यूज करो आपको तो इंटरेस्ट देना ही पड़ेगा। इसके बाद क्या था आपका इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट। इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट क्या है, एक कंपनी दूसरे कंपनी आपस की मदद करते हैं और जो एक कंपनी दूसरे कंपनी को पैसे दे रहा है तो उसे बोलते हैं, जिसने लिया है वो डिपॉजिट कर रहा है अपने पास, तो इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट माना जाएगा उसको। इसके बाद हमने शॉर्ट टर्म के बाद क्या देखा था इसके अंदर, डिपॉजिटरी रिसिट्स। डिपॉजिटरी रिसिट्स क्या होता है, जब कभी भी एक कंट्री के एक कंट्री के कंपनी को अगर पैसे की जरूरत है और उसी कंट्री के पर्सन से अगर पैसे नहीं मिल पा रहे तो दूसरी कंट्री में चले जाता है। तो दूसरी कंट्री में उसको जाने का क्या, हमारा सबसे पहले क्या करना पड़ेगा उसको, उसको सबसे पहले जैसे इंडिया को पैसे की जरूरत है इंडिया के किसी कंपनी को, तो उसे जाना पड़ेगा पहले इंडियन कस्टोडियन के पास, क्योंकि हमारी कंपनी को बाहर का पर्सन तो जानता नहीं है। इंडियन कस्टोडियन किससे बात करेगा, बाहर के ओवरसीज से, और वहां का ओवरसीज कंपनी किसको बात करेगा, इन्वेस्टर को। ओवरसीज क्या करेगा, इन्वेस्टर से पैसे लेगा और इंडियन कस्टोडियन बैंक को देगा और बैंक वापस किसको दे देगा, इंडिया को। अगर यही प्रोसेस अमेरिका में होगा तो इसको एडीआर बोलेंगे, यही प्रोसेस पूरे वर्ल्ड में होगा तो जीडीआर बोलेंगे, लेकिन बाहर वाला अगर इंडिया से लेता है तो इसको, इंडिया से लेने वाला ज्यादा तो नहीं है, सिर्फ एक स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक का एग्जाम्पल है। अमेरिका से लेने के लिए रेनबैक से इन्फोसिस का नाम हो सकता है, और जीडीआर में तो बहुत सारे हैं जो बाहर से पैसे का हमने अरेंजमेंट किया हुआ है। डॉलर में बेसिकली पैसे रिसीव होंगे, सारा काम इसमें डॉलर वगैरह में मेनली होता है। एडीआर जीडीआर आपका ये रिसिप्ट हो गया। इसके बाद सोर्स ऑफ फाइनेंस में और क्या था हमारा, कंप्लीट सोर्स ऑफ फाइनेंस में और कुछ तो बचता नहीं है। इसके बाद करते हैं स्मॉल बिजनेस की। स्मॉल बिजनेस में हमने क्या देखा था, तीन तरीके का बिजनेस। एक देखा था हमने कौन सा, माइक्रो, इसके बाद स्मॉल, मीडियम। इन बिजनेस को माइक्रो स्मॉल बिजनेस को बोला जाता है किस पॉइंट ऑफ व्यू से, इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। या तो सर्विस होगा या तो मैन्युफैक्चरिंग होगा, इन्वेस्टमेंट होगा प्लांट एंड मशीनरी में। अब माइक्रो की मैं बात करूं तो 25 लाख और 15 लाख, कहीं पे 10 लाख भी लिखा है, इसको मैं एक बार क्लियर करके बता दूंगा। तो 25 लाख और 15 लाख माइक्रो। इसके बाद अगर मीडियम की बात करें 5 करोड़, 2 करोड़, और सॉरी स्मॉल की बात कर रहा हूं, मीडियम की मैं बात करूं तो 15 करोड़ और 5 करोड़। इसका एक रजिस्ट्रेशन करवाया जाता है, जिसका रजिस्ट्रेशन एक्ट है हमारा 2006, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं कि इसके क्या क्या रोल है। सबसे पहले हमारा लेबर सबसे ज्यादा यहाँ पे यूज होता है, हमारे इकोनॉमिक को क्या करता है ये, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। हम यूटिलाइजेशन वहां के पूरे रिसोर्स को कर सकते हैं और हमारे प्रमोट करते हैं लिविंग स्टैंडर्ड को। एक दो पॉइंट और आप इसके अंदर अपने बुक में से देख के लिख सकते हो। इसके बाद क्या था हमारा, आपका क्या स्पेशल असिस्टेंस दिया गया गवर्नमेंट के थ्रू इन स्मॉल इंडस्ट्री वाले को। तो सबसे पहले बनाया गया कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक का क्या काम था भाई, लोन प्रोवाइड करना, ठीक है, और किसको, प्रायोरिटी बेसिस पे। कमर्शियल बैंक से काम नहीं चल पाए तो एक और बैंक लाएगा, लैंड वाला बैंक लेके आया, लैंड
डेवलपमेंट बैंक, इसके अंदर क्या था, ये जो लोन ले रखा है उस लोन को रिटर्न करने के लिए था और लैंड वगैरह परचेज करने के लिए देता था। इसको भी दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया था, एक स्टेट लेवल पे, एक प्राइमरी लेवल पे। ठीक है, अब इन दोनों से काम नहीं संभला तो किसको लिखे, आरआरबी। आरआरबी का क्या काम था, लेबर के लिए और फार्मिंग के लिए जल्दी से जल्दी लोन प्रोवाइड करना। इसके बाद इन तीनों से काम नहीं संभला तो नाबार्ड को लेके आ गए। नाबार्ड का क्या काम था, वो आरआरबी को भी मॉनिटर करता था और आपकी समस्या को लेके कहाँ जाता था, गवर्नमेंट के पास और आरबीआई के पास। वो दोबारा आपको लोन देता था अपने काम को चलाने के लिए, और इंस्टीट्यूशन वगैरह अगर कोई है तो उसको भी लोन प्रोवाइड करता था। आरआरबी के बाद हमारा अगला कौन सा आ गया था, एनएसआईसी। इसका क्या काम था, मेनली अगर आप मशीनरी खरीदना चाहते हो, इंपोर्ट करना चाहते हो, किराए पे खरीदो, लीज पे खरीदो, उसके लिए पैसे जरूरत है तो ये आपको प्रोवाइड कर देते थे। इसके बाद क्या था हमारा, एक तो हमारा था, दो और थे ना शायद मेरे ख्याल, एक डीआईसी। इसका डायरेक्ट वाले का क्या काम था, पर्पस बताओ, एसएसआई यूनिट के ऊपर मेन इसका फोकस था कि इसको किस तरीके से आइडिया दिया जाए, किस तरीके से सेटअप किया जाए। तो ये हमारा स्मॉल बिजनेस का पार्ट खत्म हो गया। स्मॉल बिजनेस के बाद एंटरप्रेन्योरशिप है, वो मैंने बोला ये बाद में अलग करेंगे, इसका टॉपिक से कोई लेना देना नहीं है। इसके बाद हमने करा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, जो मैंने पीछे लिखा हुआ है, कितने हैं भाई, 5। कॉपीराइट क्या क्या होगा, कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क, सीक्रेट और आपका जीआई। ठीक है, इनका रजिस्ट्रेशन, ऐसे कौन सा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है जिसका रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना पड़ता, ट्रेड सीक्रेट। ठीक है, इसके बाद आगे मैंने यहां पे इसका प्रोसेस और इसका लाइफ लिखा। तो यहां तक अभी हमने कराया, जिसके अंदर हमारे दो चैप्टर पूरे क्या हो जाते हैं, कंप्लीट। और ये दोनों चैप्टर 20 नंबर का वेटेज रखता है आपके एग्जाम में, जो कि बहुत ज्यादा बड़ा भी नहीं है। तो इसमें कोई डाउट है तो आप